मिल्लत की जो टीम है ये एक मजबूत टीम है, ये कौम को ऊपर उठाने वाली है। हिंदू मुस्लिम दलित सिख क्रिश्चियन ईसाई सबके सब हैं भाई भाई, ऑल फेथ यू आर मोस्ट वेलकम। खवातीन हजरात, आप हमारे पार्टी का प्रचार कीजिए। ये ना मुसलमानों की पार्टी है, ना दलितों की है, ना क्रिश्चियनों की है, ना सिखों की है, ये पार्टी तमाम ऑल फेथ्स की है। आप दूसरे पार्टियों में देखो, मुसलमान नाम की पार्टियाँ, हिंदू नाम की पार्टियाँ, हिंदू नाम की पार्टियों ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, मुस्लिम नाम की पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ यही एक सेकुलर पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। इंशाल्लाह हम आगे आपके लिए और भी कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है, हमारे सदर तारिक खादी साहब, नायब सदर शुतारी साहब, कवि अब्बासी साहब, हमारी जो टीम है ये एक मजबूत टीम है। टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीबडी इज अचीव्स मोर। हम जो है पुअर पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोग्राम अभी शुरू करें। इंशाल्लाह आप हमारी माए बहनों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपने घरों को जाकर ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत का प्रचार करें। इसके आगे और भी बहुत प्रोग्राम होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की जात करने वाली हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह हाफिज़। और ये पहली बार नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम, ये चौथी बार हम लोग कर रहे हैं आज तक जो सर, दिस इज द फोर्थ प्रोग्राम। और इंशाल्लाह ताला हर महीना या दो महीने के गैप से कंटिन्यू करेंगे। और आप जिसको भी नहीं मिला ये मत समझिए कि नहीं मिला बोलकर, अपना आधार कार्ड रख के जाइए यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जनवरी में या फरवरी में जब भी होगा उन लोगों को देंगे, क्योंकि ये पहले से जो है सो हम लोग सेलेक्ट करें सो है। इंशाल्लाह ताला सबको मिलेगा, हर एक को मिलेगा, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो रोजी रोटी से लग सकते हैं सेविंग कर घर में, जैसा कि हाउस वाइफ रहते हैं और अनएम्प्लॉयड हाउस वाइफ रहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। तो इनकलाब मिल्लत पार्टी एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और काफ़ी काम करती आ रही है गरीबों के लिए, बहुत काम करती आई है। और कोरोना कोविड पीरियड में तो काफ़ी हम लोग लाखों रुपये डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं यहाँ पर, और गरीबों की हेल्प करते हैं, रेगुलर हेल्प करते हैं। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत पार्टी का साथ देना चाहिए, आप लोग प्रचार करना चाहिए। ये पार्टी जो है सो किसी की फैमिली हेरिटरी इनहेरिटेड पार्टी नहीं है, ये पार्टी जो है सो सब कॉमन पर्सन की पार्टी है। ये पार्टी आपकी हमारी हम सब की पार्टी है, ये इसमें कोई फादर फोर फादर्स की पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत पार्टी एक आम जनता की पार्टी है, एक आम पब्लिक की पार्टी है। और आप लोग का फर्ज बनता है कि ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना आने वाले हालात में, क्यों बोलते आने वाले हालात बहुत खराब होने वाले हैं, ताकि हमारी एक सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम लोग लेके चलते हैं, ये सेकुलर पार्टी है। आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करिए और इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी को इख्तदार में लाइए, ताकि हम लोग ऐसे स्कीम्स लाए कि गरीबों को बेनिफिट हो सके। तो मैं आपके सामने जो है हमारे पार्टी के सदर ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत पार्टी के सदर तारिक खादरी साहब के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप मौलाना तारिक खादरी साहब है, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और काफ़ी माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं आप, और काफ़ी सियासी जमात एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और हमारे मौलाना शुतारी साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, आप भी जैसे सुनील लम्मा बोर्ड के चेयरमैन है और जीएचएमसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 20 साल तक के, और आपका जो सो तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे समी आजाद साहब है, उस्मान साहब है, अतारी साहब है, हमारे सुमाया साहब है, इसी के प्रेसिडेंट है, हमारे कोको साहब है, अल्ताफ भाई, अजीम भाई, कुरेशी भाई, सादात भाई, शाहिद भाई, और हमारे पूरे साथी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये जलसा या मीटिंग बोलिए तारिक खादरी साहब को स्टार्ट करने के लिए। माइकल साहब इज जॉइनिंग फ्रॉम सिकंदराबाद एंड हिज टीम। वी वेलकम एंटोनी एंड वेलकम मिस्टर आरिफ साहब, मोहम्मद उस्मान, आरिफ साहब, माइकल सर, एंटोनी साहब,
I have joined the party because it is purely secular party. एकदम सेक्युलर है. सेक्युलर माने मानवाद को जमहूरियत जो भी बोलते हैं. प्योरली इंडियन क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू ऑल आर इक्वल. ऑल कम्युनिटीज आर इक्वल एंड वी फर्दर वी हैव टू गो मोर लॉन्ग और आगे बढ़ना है. बहुत कम स्ट्रेंथ है. ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा करना है अपने को और कुछ हासिल करेंगे इंशाल्लाह. हमारे दिव्या पिंकी और मैं नसीम इशरत रेशमा बेगम महज बिन सुल्ताना بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مذہب میں اور دستور ہند میں کمزوروں کے لیے براعتیں دی گئی ہیں اور مجھے خوشی ہے آج اس بات کی کہ ہم اس بار بھی چوتھی مرتبہ ہمارے کمزور اشخاص کے مدد کے لیے مشین فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں آپ کے جو ہے اپنی مزدوری کے ذریعے اپنے فیملی کی کفالت کر سکیں مینٹین کر سکیں. میں یہ خواہش کروں گا کہ جو ہے اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی بھیک یا چیریٹی کے آپ اپنا زندگی سنوارنے کے لیے اس مشینز کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہم جو پہلے بھی جو ہے کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے اور دستور ہند نے کمزوروں کی اور ہر مذہب نے کمزوروں کے لیے مراعاتیں دی ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان مراعاتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم تقسیم کیے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. جوائننگ پروگرام بھی تھا اور سکندر آباد سے بھی جوائن کیے ہیں اور امبر پیٹ سے بھی جوائن کیے ہیں. سعید آباد سے بھی جوائن کیے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی امبر پیٹ سے بھی جو ہے جوائن کیے ہیں اور ہماری پارٹی کی کارکردگی سے لوگ مطمئن ہو رہے ہیں. اور ہمارا حکومت سے ہی مطالبہ ہے کہ دستور میں جو لیڈیز کے لیے جو مراعاتیں دی گئی ہیں وہ مراعاتوں کا جو ہے اس پر عمل کریں. ویمنس کمیشن قائم کیا گیا ہے لیکن ویمنس کمیشن کے ذریعے سے جو مراعاتیں دیے جانے چاہیے وہ مراعاتیں کمزوروں کو نہیں مل رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں نمائندگی کیے ہیں اور نیشنل مائنورٹی کمیشن سے بھی ہم نے پرسوں 22 تاریخ کو جو ہے 3 تاریخ 3/12 کو جو ہے ہم نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو بھی جو ہے اس سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی ہے جس میں یہ مسئلے کو اٹھایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور صرف وعدے اور وعدوں پر عمل نہیں. ہم ہمارے نمائندوں سیاسی نمائندوں سے اور مذہبی قائدین جو
मजलिस के साथ उमूमन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैगेज के साथ हमेशा एक बैगेज की तरह रहते हैं, तो हम उनसे ख्वाहिश करेंगे खुदारा आप सीएम साहब से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, खुसूसन जो मोइनाबाद की जो बच्ची है जिसका रेप किया गया, जिसको कत्ल किया गया 14 महीने के बाद भी आज तक सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से की वजह से उसके साथ कोई हत्ता के कंडोलेंस ताज़ियत भी पेश नहीं की गई, जबकि सईदाबाद हम खुश हैं कि देना चाहिए निर्भया एक्ट के तहत जो सईदाबाद में जो बच्ची को जो है रेप करके कत्ल किए, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर 2 मिनिस्टर्स 50 लाख रुपए फ्लैट डबल बेडरूम फ्लैट और 50,000 रुपए दिए हैं, जबकि मोइनाबाद की बच्ची जो भी वो नाबालिग थी जो मुलाजिमा थी वहाँ पर, तो उसको उसके ताल्लुक से 14 महीने के बाद भी कुछ रियायत नहीं की गई। और मैं यहाँ पर ये तो जो है रेप की विक्टिम्स का है, हत्ता के मिलिट्री में भी शाकिर हुसैन नामी साहब जो है हवलदार थे जो उनके सरहद पर शहीद हुए 14 में, उनके साथ भी तकरीबन 12 महीने हो गए, आज तक हुकूमत तेलंगाना हुकूमत उनको भी कोई एक्सग्रेशिया नहीं दी, जबकि संतोष बाबू साहब को जो सीएम साहब खुद ही घर जाते हैं और उनको 5 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया देते हैं, बंजारा हिल में 700 गज 10 करोड़ की ज़मीन देते हैं और उनके बच्चों को जो है तालीम के लिए जो है इंतज़ाम करते हैं और उनकी अहलिया को डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट देते हैं, जबकि शाकिर हुसैन साहब के ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हमने इस सिलसिले में चीफ़ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहब को नुमाइंदगी की है और अब हम एक थोड़े दिन देखेंगे, उसके बाद कोर्ट में केस डालेंगे ताकि उनके साथ इंसाफ हो, आर्टिकल 14 का पर अमल किया जाए। शुक्रिया खुदा। 25 मशीन दिए गए, 25। गवर्नमेंट से कुछ आपको इजाज़त मिली है, तो गवर्नमेंट के स्कीम को बता रहे हैं, गवर्नमेंट की इस स्कीम से तक 2 साल में क्या आपने मदद की है? हमें जहाँ तक इत्तलात हैं पुराने शहर में तो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत कुछ भी इमदाद नहीं की गई, हत्ता के जो पानी में 45 आदमियाँ जो बह गए हैं उस्मान नगर में, उनके लवाहिकीन को भी उनके साथ भी कुछ इमदाद नहीं दी गई है। हाँ ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद का ऐलान किया गया है वो काउंसलर्स अपने अपने लोगों को दे चुके हैं, हकीकत में जो मुस्तहकीन हैं जो डिज़र्विंग पीपल हैं उनके उनको महरूम रखा गया है। और मैं तो ख्वाहिश करूँगा कि सीएम साहब गोल्डन तेलंगाना यानी गोल्डन पानी में बहा देना है क्या, 45 अशखास उस्मान नगर में बह गए और आज तक आप उनकी तरफ रुख भी नहीं किए। केटी रामाराव साहब ये अच्छा मौका है, आप फिर इलेक्शन से पहले अगर आप कुछ हरकत में आएंगे तो हुजूराबाद का इलेक्शन दलित बंधु की तरह होगा, दलित बंधु के वक्त आपने वायदा किया था कि पूरे तफात के साथ BCs हो माइनॉरिटीज़ हो क्रिश्चियंस हो उनके साथ भी दलित बंधु की तरह स्कीम लाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप ऐलान कीजिए इस स्कीम का और कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम ख्वाहिशमंद नहीं है कि हम आपको बुलाया जाए, खुदारा मजबूरों के साथ इंसाफ कीजिए। शुक्रिया। रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी नायब सदर आल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत आवाम अन्नास खुसूसन हैदराबाद के उन मुजाहिदीन से मुखातिब हूँ जो ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारी जमात के नज़्मुल आइन और हमारी जमात की फ़िक्र पर हमारे सदर साहब जनाब तारिक़ क़ादरी साहब ने बहुत ही वादे तौर से बयान किया है। देखिए जमहूरियत में वो कौमें ज़िंदा रह सकती हैं जिनके पास अज़्म हो और जिनके पास हौसला हो और जिनके पास फ़िक्र हो, और अगर हमारे पास इनकी कमी है
तो यकीन कीजिए ये हमारे लिए बदनसीबी का बायस है। और दूसरा, हमारे साथ जो मुसलसिल जो एक सानिया है, वो सानिया ये है कि मुसलमानों की जो क़ियादत अपने आप को जो है हमदर्द कहती है और 50 साल से ज़्यादा सियासी एतबार से गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात से मुस्तफ़ीद होती है, तनख्वाहें पाती है, लेकिन वह मुसलमानों के लिए अमली तौर से कोई इकदाम नहीं करती। आज हमारे लिए किसान तहरीक ने एक मशाल राह पेश की है। उन्होंने कहा कि बावजूद 750 से बढ़ के लोग उनके जो इस हादसे में मर गए हैं और वो शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई और आज भी वो हुकूमत से नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि उनकी ख़ियानत दयानतदार है। राकेश टिकेट जो है वो कोई मामूली उनका ख़ायद नहीं है और जो है 30 साल से ज़्यादा राकेश टिकेट उनका ख़ायद है और जो है वो ऐसा ख़ायद है कि किसानों के लिए जानी माली हर तरीक़े की क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे लिए बदनसीबी है कि हमारी क़ियादत मज़लूमों की क़ियादत, ज़ालिमों की क़ियादत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज का ये प्रोग्राम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीन्स का था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ पिछले बातों के बारे में बताना चाहूँगा कि हाल ही में नवाब ज़ाहिद अली ख़ान जो कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा फर्ज़ी केस दर्ज कराए, एक उनका एम्प्लॉय श्रीनिवास नाम था, वो जाकर जो है सो एक केस दर्ज कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है, जिस दिन केस दर्ज हुआ उसी दिन केस बंद हो गया। अल्लाह का फजल व करम है कि उसी दिन मैं जाकर DCP से मिला, DCP बोला ऑन मेरिट्स वी डिसमिस दिस केस। क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे को मारने की जान की धमकी भी दी, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने ज़ाहिद अली ख़ान के ख़िलाफ़ FIR इशू हो चुका है। ज़ाहिद अली ख़ान का नाम आमिर अली ख़ान भी है उसमें और श्रीनिवास उनका एम्प्लॉय भी है और इस कन्फेशन स्टेटमेंट होते हैं वो लोग अरेस्ट होने वाले। ये FIR है, ये FIR नंबर है इनका, आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब में ज़ाहिद अली ख़ान, आमिर अली ख़ान और श्रीनिवास जो उनका एम्प्लॉय है मैं हाईलाइट करा, उन्हें भी अरेस्ट होने वाला है, देख लीजिए आप, ये FIR है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रीनिवास जो एम्प्लॉय है उन्हें बोला कि बगर पूजा के पेपर नहीं निकलता वहाँ से, बगर पूजा के, नरसू की पूजा होती वहाँ पे, नरसू की पूजा करके जैसे पेपर निकलता। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि ऐसा पेपर जो कि पूजा होकर निकलता वैसा पेपर आप लोग पढ़ेंगे क्या? हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम ये पेपर को बैन करेंगे, उसको फाड़ देंगे। हो सका तो आप लोग एतमाद पढ़िए, आप लोग जो है सो मुंसिफ पढ़िए, आप लोग जो है सो रहनुमा पढ़िए, लेकिन पूजा का आप अखबार पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भी गारत, आखिरत भी गारत। ज़ाहिद अली ख़ान, मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन करता हूँ, तुम भी वसीयत कर दो वसीम रजवी की तरह, तुम्हारे को जलाना है या दफनाना है? क्यों तो तुम्हारा ईमान ख़त्म होगा, तुम्हारे को कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, कलमा पढ़कर फिर ईमान पे लाना की ज़रूरत है, क्योंकि नरसू की पूजा करते तुम, नरसू की पूजा करने वाले ही तरक्की करता और आप देखेंगे उसका अखबार तरक्की करता, दूसरा अखबार नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं जो पूजा करते हैं, अल्लाह उनको बचाए, अल्लाह ताला उनको बचाए कि इस ये गुनाह से बचाए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, फिर से कलमा पढ़ लो, अपने ईमान से जो है सो आपका मालूम हो रहा आप क्या लेवल पे खड़े हुए। आप जो है सो वफ़ की जायद कब्ज़ा करके बैठे हुए, हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ कब्ज़ा करके बैठे, मिल्लत फंड बोल के खा जा रहे हैं आप, पैगामों का दफ्तर लगा के रजिस्ट्रेशन खा जा रहे हैं आप, मिल्लत फंड में 40% ले रहे हैं आप, क्या कमीशन एजेंट है आप? वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ को जा रहे हैं पैसे वो भी, और अपने आप को जो है सो बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, बहुत अच्छा लीडर हूँ, धोखा दे रहे हैं, तुम धोखा दे रहे हैं, आपका नखा फट चुका है ज़ाहिद अली ख़ान। और ये अखबार को बायकॉट करिए, आप लोग फौरन बायकॉट करिए और जो है सो अच्छे से अखबार लीजिए, ये पूजा करने वाला अखबार मत लीजिए मेरे दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों, ये आप जो है सो फतवा लीजिए इनके, आप फतवा लीजिए जामे निज़ामिया से, क्या ये अखबार हम पढ़ सकते हैं क्या? शुक्रिया, खुदा हाफिज़।